हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति शर्मा और हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए वीकली टेक्नोलॉजी डोज लेकर और आपको दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी न्यूज में क्या रहा हॉट और साथ ही साथ लेटेस्ट गैजेट्स भी। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाल ही में लॉन्च हुए नए फोन से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कूलपैड ब्रांड की, जिसे लॉन्च किया है अपना नया फोन विच हैज सम वेरी यूनिक फीचर। लेट्स टेक अ लुक। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कूलपैड ने जब ला एको के साथ हाथ मिलाया तभी से लोगों की उम्मीद बढ़ गई थी और इसी पार्टनरशिप में कूलपैड लेके आया है अपना नया कूलपैड कूल वन डुअल, जिसका दाम रखा है 13,999 रुपए। तो आइए जानते हैं इस फोन के बारे में और देखते हैं क्या है खास इसमें। तो जैसे ही आप इस फोन पर नजर डालते हैं तो आपको इस फोन का डिजाइन ला एको ला टू से इंस्पायर लगेगा। हालांकि आज के टाइम में फोन में मेटल बॉडी होना काफी आम बात हो गई है। Having said that, it is a good looking device and it comes with a solid metal back and a glass panel on the front. लेकिन ये फोन बाकी फोन से ज्यादा अलग नहीं दिखता। इसके टॉप पर आपको मिलता है हेडफोन जैक विद एन इंफ्रारेड पोर्ट, तो वहीं वॉल्यूम और पावर बटन्स दिए गए हैं इसके राइट एज पर। और लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है सिम ट्रे, तो वहीं इसकी बॉटम पर आपको मिलती है USB टाइप सी पोर्ट फ्लैंक बाय टू स्पीकर होल्स। हालांकि इसके एक साइड के होल्स में ही स्पीकर्स हैं एंड द अदर वन इज जस्ट देयर फॉर सिमेट्री। इसके बैक पर नजर डालेंगे तो आपको दिखता है डुअल कैमरा सेटअप प्लेस्ड वर्टिकली अलोंग विद डुअल LED फ्लैश, और उसी के ठीक नीचे आपको दिखता है ग्लॉसी फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो आपको दोबारा लाइको के फोन्स की याद दिलाएगा। इस फोन में दी है 5.5 इंच फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जो ऑफर करती है 401 PPI। तो वहीं डिस्प्ले के आसपास दिए गए बेजल काफी पतले हैं एंड इट गिव्स यू अ गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस, भले ही वो कलर की बात हो या फिर शार्पनेस की। द स्क्रीन लुक्स प्रीटी डीसेंट। इसकी स्पेसिफिकेशंस पर आए तो कूलपैड कूल वन में दिया है स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर, एड्रीनो 510 GPU, 4GB RAM एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ये आता है 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, बट देयर इज नो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, अगेन लाइको प्रॉब्लम। तो इस फोन में भी दिया गया है लाइको ला 2 की तरह स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक बेहतर ऑफरिंग है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर चाहे आप वीडियोस देख रहे हो, मेल चेक कर रहे हो, मल्टीपल एप्स खोल रहे हो या फिर एसफॉल जैसी गेम्स खेल रहे हो, ये फोन आपको निराश नहीं करता। बट हाँ, अगर आप भी पोकेमोन गो लवर हैं, तो ये फोन ज्यादा देर गेम खेलने पर गर्म भी होता है और कुछ जगह लैग भी होता है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन की USP यानी इसके कैमरा डिपार्टमेंट की। तो कूलपैड कूल वन में दिया गया है ट्विन 13 मेगापिक्सल कैमरा, जिसमें एक कैमरे में दिया गया है कलर सेंसर, तो वहीं दूसरे कैमरे का इस्तेमाल होता है मोनोक्रोम डेटा के लिए, जो लो लाइट में आपको अच्छी इमेजेस लेने में मदद करता है। तो वहीं फ्रंट में दिया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। लेकिन डुअल कैमरा होने के बावजूद ऑनेस्टली इस फोन ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, एज द लो लाइट इमेजेस हैड नोटिसेबल नॉइज एंड डिटेल वाज जनरली पुअर। इनफैक्ट डेलाइट में भी पिक्चर्स हमें थोड़ी ओवर एक्सपोज लगी। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं दैट इमेज क्वालिटी इज जस्ट एवरेज फॉर दिस फोन। लेकिन जितने मार्क्स इसके कैमरा डिपार्टमेंट ने खोए हैं, उतने ही मार्क्स बैटरी डिपार्टमेंट में इसे ज्यादा मिलते हैं, एज द हैंडसेट कम्स विद 4060mAh बैटरी, जो आपका वीडियोस, गेम्स और ब्राउजिंग के बाद भी एक दिन आराम से चल देता है। क्या 13,999 रुपए में ये फोन लेना चाहिए? Well, जैसे कि हमने बताया कि ये फोन काफी हद तक लाइको ला 2 जैसा ही है, और हमारे हिसाब से लाइको ला 2 एक बेहतर ऑप्शन है, as it has same features except camera but at a lesser price. It's time to talk blue. Yes, I'm talking about the Honor. Yes, Honor 6X. The camera of Honor 6X has been one thing that everyone is raving about. Jante hai 6X ke camera ke baare mein. This a special exclusive story. Well, आज हम अपने शो में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से। इनका नाम है सुमित दयाल। ही इज अ वेल रिनाउंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि हम अपने शो में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को क्यों मिलवा रहे हैं। वेल, हम आपको बता दें कि काफ़ी समय से हम Honor 6X के बारे में सुन रहे हैं। इट हैज़ एन अमेजिंग कैमरा, इट्स अ बजट स्मार्टफोन, और रिसेंटली CES 2017 में इसको लॉन्च भी किया गया। सो सुमित इस फोन को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, इसकी कैमरा क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इन्हीं से। सो सुमित, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू एंड टेल अस, हाउ इज इट गोइंग सो फार? इट्स गोइंग ग्रेट एंड आई हैव बीन यूजिंग द फोन फॉर अ मंथ नाउ। ओके।
And I'll tell you right from the top that it feels great in the hand. Okay. As a photographer, one of the main things that I like about something is that how does the camera feel in the hand, and the nice metal body at the back basically feels great. The weight of the camera, of the phone, is absolutely great for making good stable pictures. Since you have been saying that you have been using this phone from quite a while now, so kuch experience bataiye hamare sath share kariye, aur kya kya kin kin logon ne isko use kiya, aur in fact humne dekha hai ki Instagram pe aajkal is phone se kafi achhi achhi amazing pictures li ja rahi hain. So recently we ran a small project called Project Excavate on India Photo Project, and we basically got 25 Instagrammers, amazing Instagrammers from all over India, from different cities, and they were given a task of going and basically shooting or excavating a story from their cities. Okay. So basically what ended up happening is that they all went out with the Honor 6X and they went out and shot some amazing stories. And if you look at the way that they've shot in low light conditions, taking portraits, shooting with wide apertures, the gamut is just unbelievable. Okay, so Simit, aajkal hum dekhte hain ki social media par log sari selfies aur amazing pictures post karte hain apni, and in fact they have used it as their marketing strategy as well. Right. So being a professional photographer, aapki taraf se kya pro tips hongi when they are using their smartphone camera? Few tips that will always be universal, that have been there since the time photography began. Look for the light. All right. And basically if you're looking for the right kind of light and you shoot yourself in the right kind of light, you will always get good pictures. Composing and framing your pictures in the right way. I would say that now, because the phone and the smartphones basically give you the technology to control a lot of things that we didn't have. So for example, on this Honor 6X you have the pro mode where you can control the ISO, the shutter speed, and that gives you a very good range of things to control. So you can actually in that sense almost shoot as if you're shooting like a DSLR, molding itself. And one thing that you really liked about this particular phone and its camera? I think the dual lens is amazing. Iske 12 megapixel dual lens ke saath there's a 2 megapixel sensor, which basically gives you this ability to control the depth of field even after shooting. Wow. So that's something that I really love, because usually you go out and you don't get the focus right, but with this you can always come back and then shift the focus to the right place. So I really love that. Perfect. Thank you so very much for talking to us.